हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिर सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, ये वीडियोस मैं 2-3 दिन के बाद लेके आया हूँ। तो इस वीडियोस में मैं आप भाइयों को एक टूल दिखाऊंगा जो आप आईटेल के जितने भी मोबाइल है ना, एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है, जिसमें एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है, उसका आप नेटवर्क रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इजिली नेटवर्क रिपेयर कर सकते हो ऑन क्लिक में। लेकिन इसकी कुछ मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, सेटिंग आपको जरूर देखनी है। ये 100% वर्किंग टूल है, ठीक है, इसको मैंने यूज किया है, उसके बाद आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सकें। तो ये टूल मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, लिंक मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी ये मैं थोड़ा सा आपको चला के दिखा दूं, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको आईटेल की बात की है, ठीक है, आगे चल के मैं बताता हूँ इसकी कुछ सेटिंग है। सेटिंग करके आप एसपीडी के ऑल मोबाइल एंड्रॉयड जो है उसका नेटवर्क रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, यहाँ से ओके करेंगे हम। अब ये दूसरी फाइल बन के आ चुकी है, ठीक है, एक छोटी सी फाइल है, ये इतनी बड़ी को फाइल नहीं है, बिल्कुल छोटी फाइल है। अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा इसको, तो ये टूल ओपन हो चुका है। अब टूल आपके सामने है, एक छोटा सा टूल है, बिल्कुल छोटा टूल, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ आपका नंबर जो होगा वो टाइप कर सकते हो, आपके मोबाइल के ऊपर देखो कौन सा नंबर है, ठीक है, बैक साइड पे नंबर लिखा हुआ होता है। ज्यादातर क्या होता है, आईएमआई नंबर जो है करप्ट हो जाता है, ठीक है, आपको चेंज बिल्कुल नहीं करना है, आईएमआई नंबर वही टाइप करना है आपको, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है इंटर आईएमआई, ठीक है, तो आपको यहाँ आईएमआई नंबर जो है वो लगाना है, और जो भी आपके डब्बू पे है या आपके मोबाइल की बैक साइड पे है वही आपको लगाना है, ठीक है, जिसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक आ रहा है, ठीक है, एक ऑप्शन है जिसमें आप नंबर टाइप कर सकते हो। आपके मोबाइल के दो दो नंबर हैं, दो आईएमआई नंबर लगाने हैं आपको 2 सिम के लिए, ठीक है, तो ये आपके सामने है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आप 1 और 2 पे क्लिक कर दो, तो ये 2 आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ आप टाइप कर सकते हो, उसके बाद यहाँ भी टाइप कर सकते हो जो भी आपका नंबर है, ठीक है। तो इसमें ऐसे इतने ही नंबर टाइप होंगे जो आपके मोबाइल के हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं मोबाइल में, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूँ, इतने ही टाइप होंगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो ये बोल रहा है प्लीज कनेक्ट फोन, ठीक है, ये खुद ब खुद बोल रहा है कि आपका फोन जो है कनेक्ट करो। तो इसमें सिर्फ आप एसपीडी सीपीओ वाले मोबाइल जो एंड्रॉयड है ना, कीपैड के नहीं होगे मेरे भाई, ऐसा ना हो आप कीपैड लगा के बैठ जाओ और बाद में बोलो कि भाई नहीं हो रहा है, ठीक है। वीडियोस कंप्लीट वॉच किया करें, मैं पूरी सेटिंग आपको बता देता हूँ, वीडियोस मैं ही बता देता हूँ। आप वैसे व्हाट्सएप पे पूछते हो कभी कभी, वो मैसेज करके पूछते हो कभी कभी, कमेंट में भी पूछते हो, तो मेरे भाई ये बिल्कुल आप गलती करते हो। अभी देखो ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और आप भी कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इसका टाइम होता है, ठीक है, 10-12 सेकंड का टाइम है, बस 10-12 सेकंड में आपका मोबाइल लगना चाहिए। अब यहाँ से हम स्टॉप करते हैं, और आपको क्या करना है, कभी कभी ऐसा कोई मोबाइल आ जाए जो टेस्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है, ठीक है, ज्यादातर तो ये एसपीडी के मोबाइल टेस्टिंग पॉइंट से कनेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोई ऐसा मोबाइल आ गया तो इसकी कॉम पोर्ट यहाँ बन जाएगी, ठीक है, कॉम पोर्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। अभी ये देखो एक मोबाइल मैंने कनेक्ट किया हुआ है, साल दूर आपको समझा दूं, तो ये आपके सामने 3 लिखा हुआ आ रहा है, COM 3, ठीक है, तो आपको 3 सिलेक्ट कर देनी है, उसके बाद आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी जो मेन सेटिंग है वो आपको करनी है, मेन सेटिंग कौन सी, इस टूल की कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ यही सेटिंग है, ये ऑप्शन दिया गया है, बाकी कोई पंगा नहीं आपको लेना है इसमें, ठीक है। बाकी बात ये है, आपको ड्राइवर जो है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, एसपीडी के ड्राइवर आप सही तरह इंस्टॉल कर दो, बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए ये चिमेरा इंस्टॉलर जो है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अलावा अलग से भी आप ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ड्राइवर इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो, एसपीडी के ड्राइवर इंस्टॉल कर दो और आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा इजीली, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब ये टूल भी आपने देख लिया और ड्राइवर की बात भी आपने सुन ली, ठीक है, ड्राइवर कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये चिमेरा इंस्टॉलर जो है ये भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा अब बात करेंगे हम डाउनलोड करने की। डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियोस थोड़ी सी देखनी होगी, क्योंकि ये एक ही वेबसाइट से होता है डाउनलोड, बाकी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब मैं इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, चलो कॉपी नहीं करता हूँ, वहाँ से टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और आपको यहाँ टाइप करना है SC7715। ठीक है, इतना टाइप करना है बस, आपके पीसी में भी ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये आपके सामने है। ठीक है, अब ये पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, अदर कहीं भी नहीं करना है, इसके ऊपर ही क्लिक करना है। तो अभी मैं आपके सामने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हुए थोड़ा नीचे जाएंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, आगे ये सिर्फ वेरीफाई करेगा। ठीक है, आपको सिर्फ वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और लिंक आ जाएगी। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी, इजीली लिंक आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कोई भी और किसी भाई से डाउनलोड नहीं हो रहा तो फिर भी मुझे बता सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको लिंक दे दूंगा। ठीक है, जिस भाई से डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, पहले आप ट्राई करो, आपसे नहीं हो रहा है डाउनलोड तो फिर मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको दे दूंगा लिंक। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।